Hello everyone, very warm welcome to all in your own study channel that is the Study 24 official. मैं हूँ प्रियंका और आज के वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे मॉडल्स के बारे में कि ये जो मॉडल्स होते हैं ये क्या होते हैं. वैसे तो काफ़ी ईजी टॉपिक है लेकिन आज हम जो बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ यूजेस ऑफ कैन के बारे में बात करेंगे. आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉडल्स का कंसेप्ट. इसमें हम स्टेप बाय स्टेप एक एक मॉडल के साथ डील करेंगे क्योंकि ये जो टॉपिक होता है काफ़ी ईजी होता है. मॉडल्स में कभी भी टेंसेस का यूज़ नहीं किया जाता है बल्कि इसमें सेंस का यूज़ किया जाता है. सबसे पहले तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि आखिर में ये जो मॉडल्स हैं ये क्या होते हैं. ये जो मॉडल्स होते हैं ये एक्चुअल में हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जो कि मेन वर्ब के साथ यूज़ की जाती हैं किसी भी सेंटेंस में, जो कि एक्सप्रेस करती हैं एबिलिटी को, पॉसिबिलिटी को, परमिशन को या कैपेबिलिटी को. इनका यूज़ हम सेंटेंसेस में करते हैं और सबसे बेस्ट बात इन मॉडल्स की यही है कि इनमें कभी भी सेंटेंसेस का यूज़ नहीं होता है. तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं अगर अभी तक आपने स्टडी 24 ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि जब भी हम कोई स्टडी से रिलेटेड या कोई न्यूज़ से रिलेटेड वीडियो डालें तो आपको उसकी नोटिफिकेशन उसी टाइम मिल जाए. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले तो हम इसका हिंदी में मीनिंग जानते हैं कि कैन का मतलब क्या होता है, क्योंकि आज हम डिटेल में डिस्कशन सिर्फ और सिर्फ कैन के बारे में ही करेंगे. इसके आगे हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे. इसका मतलब होता है सकता है, सकते हैं या सकती हैं. जैसे कि अगर मैं कोई सेंटेंस बोलूँ कि मैं ये काम कर सकती हूँ, तुम ये काम कर सकते हो, या वह लड़का वो काम कर सकता है, मतलब कि जिस सेंटेंस में किसी की काबिलियत को शो किया जाए या फिर किसी की परमिशन ली जाए या फिर किसी से रिक्वेस्ट की जाए, वहाँ पे हम कैन का यूज़ करते हैं. हमने देखा कि इसका यूज़ हम एबिलिटी में कर सकते हैं जिसका मतलब होता है काबिलियत, कैपेबिलिटी में कर सकते हैं जिसका मतलब होता है कि करने की काबिलियत. अब इनमें क्या डिफरेंस है? एबिलिटी का मतलब है कि उसके अंदर काबिलियत है, लेकिन कैपेबिलिटी का मतलब ये होता है कि काबिलियत तो है लेकिन उसमें कितनी क्षमता है उस काम को करने की, उसे हम कैपेबिलिटी में लेते हैं. ये बात करें परमिशन में, देन रिक्वेस्ट में. हमने देख लिया कि कैन का यूज़ हम एबिलिटी को शो करने के लिए करते हैं, कैपेबिलिटी को शो करने के लिए करते हैं, परमिशन लेने के लिए करते हैं या फिर रिक्वेस्ट करने के लिए करते हैं. इनका यूज़ सेंटेंस में कैसे किया जाता है, मतलब कि सेंटेंस की जो फॉर्मेशन होती है वो कैसे होती है? सबसे पहले तो ये जो सेंटेंसेस होते हैं इनमें सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद कैन आएगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, देन हमारा ऑब्जेक्ट आएगा. मतलब कि ये हुआ कि जो भी हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस होंगे या हम बोल सकते हैं कि जो भी हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस होंगे वहाँ पे हम सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, देन हम कैन का, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, देन फिर ऑब्जेक्ट आएगा. उसी तरह से जो हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस होंगे वहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, कैन आएगा, प्लस नॉट आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट आएगा. ये तो हो गई बिल्कुल बेसिक सी बात. अब हम इसे एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो कैन का यूज़ है ये हम कहाँ कहाँ कैसे कर सकते हैं. एबिलिटी को शो करने के लिए कैसे होगा, कैपेबिलिटी को, परमिशन को और रिक्वेस्ट को. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम सेंटेंसेस देखेंगे एबिलिटी की, मतलब की काबिलियत की. सबसे पहला सेंटेंस है आई कैन स्विम, मतलब मैं तैर सकता हूँ. अब देखिए इस सेंटेंस में हमें एबिलिटी शो हो रही है कि उसके अंदर वो काबिलियत है कि वो तैर सकता है. तो हमें ये कैसे पता चला कि वो तैर सकता है? किसका यूज़ किया हमने? मॉडल का यूज़ किया, और वो भी कौन सा मॉडल? कैन. क्यों? क्योंकि ये जो कैन है ये एबिलिटी को शो करता है. अगला सेंटेंस देखते हैं, शी कैन अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स, वह मेरी भावनाओं को समझ सकती है. मतलब कि किसी के फीलिंग्स को समझना ये भी एक एबिलिटी है. अगला सेंटेंस देखते हैं एबिलिटी का ही, रोहित कैन स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, मतलब कि रोहित काफ़ी सफाई से इंग्लिश बोल सकता है क्योंकि उसके अंदर ऐसी एबिलिटी है कि वो अच्छे से इंग्लिश को बोल सकता है. आगे इसकी एग्जांपल देखते हैं कैपेबिलिटी की, कि कैसे कैपेबिलिटी का यूज़ किया जाता है. कैपेबिलिटी और एबिलिटी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस एबिलिटी में काबिलियत को शो किया जाता है, लेकिन कैपेबिलिटी में करने की काबिलियत कितनी है किसी भी काम को, तो वो हमें ऐसे सेंटेंसेस में देखने को मिलता है. सबसे पहला सेंटेंस लेते हैं, आई कैन रन अप टू 10 किलोमीटर, मतलब मैं 10 किलोमीटर तक भाग सकता हूँ. शी कैन लिफ्ट 15 kg, वह 15 किलो उठा सकती है. ही कैन स्विम इन द रिवर, वह नदी में तैर सकता है. इंडिया कैन डिफीट इंग्लैंड इन द अपकमिंग T20 मैच, इसका मतलब है कि जो भारत देश है वो इंग्लैंड को आने वाले T20 मैच में हरा सकता है. तो हमने देखा कि इन चारों के चारों सेंटेंसेस में हमें कैपेबिलिटी शो हो रही है, मतलब कि कोई आदमी है उसके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, कितनी उसके अंदर क्षमता है किसी भी काम को करने की. और
काफ़ी बेसिक से सेंटेंसेस हैं, जैसे आपको मैंने पहले ही बताया था कि इसमें क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज़ होगा, सब्जेक्ट के बाद इसमें यूज़ होगा कैन का जो कि हमारी मॉडल है, मॉडल के बाद हम यूज़ करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा उसका हम यूज़ करते हैं। ये तो बात हो गई कैपेबिलिटी की। आगे बात करते हैं परमिशन की, कि ये जो कैन का यूज़ है हम परमिशन के लिए भी करते हैं। जब भी हम किसी से परमिशन लेते हैं तब हम कैन का यूज़ करेंगे, लेकिन कैसे करते हैं आइए जानते हैं इन सेंटेंसेस के साथ। सबसे पहले बात करें कैन आई राइट विद ब्लैक पेन, मतलब कि इसमें क्वेश्चनिंग होगी। जब भी हम कोई परमिशन लेते हैं तो इसमें मोस्टली क्या होगा कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क देखने को मिलेगा, मतलब कि इसमें क्वेश्चन पुटअप होगा, ऑब्वियस ही बात है। जैसे कि सबसे पहले सेंटेंस में हमने देखा कि कैन आई राइट विद ब्लैक पेन, मतलब इसमें क्या होगा, इसमें जो अब ये जो परमिशन वाले सेंटेंसेस होते हैं इनमें क्या होगा, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया हो, किसी से परमिशन ली गई हो, तो वहाँ पे मॉडल्स जो हैं जैसे कि कैन है ये सबसे पहले आएगा, उसी के बाद जो हमारा सब्जेक्ट आता है उसका यूज़ होगा। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा फर्स्ट सेंटेंस में कैन आई राइट विद ब्लैक पेन, क्या मैं काले कलम से लिख सकता हूँ, क्या मैं काले पेन से लिख सकता हूँ, मतलब कि किसी के परमिशन ली है। यू कैन प्ले विद शीतल, मतलब कि किसी को परमिशन दी जा रही है कि हाँ तुम शीतल के साथ खेल सकते हो। यहाँ पे भी हमने कैन का यूज किया, लेकिन कैसे किया, परमिशन की तरह किया। अगला सेंटेंस देखें, राहुल यू कैन कॉल मी एट एनी टाइम, मतलब कि राहुल को परमिशन दी जा रही है कि तुम मुझे किसी भी वक्त कॉल कर सकते हो। तो हमने देखा कि कैन का यूज परमिशन में कैसे किया जाता है। आगे बात करते हैं कि कैन का यूज़ हम रिक्वेस्ट में कैसे करेंगे। जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, मतलब कि हम किसी से विनती करते हैं, तब हम कैन का यूज़ कैसे करेंगे। कैन यू मेक ए कप ऑफ टी फॉर मी, मतलब कि यहाँ पे बोला गया है, और ये जो रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस होते हैं इसमें भी मोस्टली क्वेश्चंस ही होंगे, क्योंकि किसी से रिक्वेस्ट की जा रही है तो लास्ट में इसके क्वेश्चन मार्क आएगा। सेंटेंसेस को देख के हमें ये पता लगाना है कि किसमें क्वेश्चन पूछा गया है रिक्वेस्ट के तौर से। पहला सेंटेंस हम देखते हैं, कैन यू मेक ए कप ऑफ टी फॉर मी, क्या आप मेरे लिए एक कप चाय बना सकते हो। अब देखिए इसमें रिक्वेस्ट भी की है, लेकिन ये जो रिक्वेस्ट की गई है कैसे की गई है, क्वेश्चन को पूछ के, जैसे कि क्या आप मेरे लिए एक कप चाय बना सकते हो, मतलब किसी से रिक्वेस्ट की है। सेकेंड सेंटेंस देखें, कैन आई हैव ए ग्लास ऑफ वाटर, क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है, मतलब कि किसी से रिक्वेस्ट की है कि आप मुझे एक गिलास पानी दे सकते हो। अगला और लास्ट सेंटेंस देखते हैं रिक्वेस्ट से रिलेटेड, यहाँ पे बताया गया है कैन यू गिव मी ए लिफ्ट टू स्कूल, मतलब क्या आप मुझे स्कूल तक लिफ्ट दे सकते हो। यहाँ पे भी रिक्वेस्ट की जा रही है, तब हम कैन का यूज़ करते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने जाना कि कैन का यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, कौन से सेंटेंसेस में क्या एक्सप्रेस करने के लिए हम कैन का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमने जाना एबिलिटी को शो करने के लिए, कैपेबिलिटी को शो करने के लिए, परमिशन लेने के लिए, या फिर किसी से रिक्वेस्ट करने के लिए। सो आई होप आज का वीडियो लेक्चर आप सभी के लिए हेल्पफुल हो, और अगर कोई डाउट हो या कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसी तरह से डिफरेंट वीडियोस पाने के लिए आप Study24 ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि जब भी हम कोई न्यू वीडियो अपलोड करें आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, वहाँ पे हम बात करेंगे नेक्स्ट मॉडल की। सो आई होप आज का वीडियो लेक्चर आप सभी के लिए हेल्पफुल हो। So thank you so much for watching the video.